दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल वीर सिंह उस्ताद मैकेनिक। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि पानी से बाइक को कैसे चलाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं, इसमें काफ़ी डाल भी चुके हैं और भी डाल रहे हैं टंकी के अंदर, और आपको नीचे भी दिखाएंगे कि पानी आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। तो ये YouTube पे आपको शायद कहीं मिलेगी कि पानी से आप बाइक को कैसे चलाएं, और चलाकर भी दिखाएंगे आपको। तो पहले नीचे चेक करते हैं, देखिए ये देख पा रहे हैं आप, ये रिजर्व गाड़ी है और ये पानी आ रहा है आपके, ये पूरा पानी आ रहा है गाड़ी में। अब इसको हम स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको, चला के भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको शेयर भी जरूर करना है, लाइक तो करनी ही करनी है। आइए अब दिखाते हैं स्टार्ट करके आपको। अभी देख पा रहे हैं आप, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इसको चला के भी दिखाएंगे अभी रोड के ऊपर। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप बाइक लेके चल रहे हैं हम, इसको आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी ले जा सकते हैं। आप देख पा रहे हो गए कि कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है गाड़ी में और बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है। तो दोस्तों हमने ये कैसे किया है इसको अगर ये देखना है तो वीडियो को अंदर तक जरूर देखें। अभी दुकान पर जाकर हम बताएंगे कि हमने कैसे किया है, और आप भी कभी भी कर सकते हैं। और ये हमने किया कैसे है ये भी हम आपको बताते हैं। और ये सिर्फ BS4 गाड़ी है, BS5 है, इसमें हो सकता है BS6 गाड़ी में ये नुस्खा आप भूलकर भी नहीं आजमाएं। ये पुरानी गाड़ी है जो उनके लिए है, 2020 से पहले की जो गाड़ी आई है, और जो इंजेक्टर वाली गाड़ी आई है, थर्टर बॉडी वाली गाड़ी, फ्यूल पंप है जिनमें, उन गाड़ियों के लिए नहीं है वीडियो, कभी उसमें भी आप पानी डाल के चलाएं। तो ये किया कैसे है हम आपको बताते हैं कि कहीं भी आपकी गाड़ी में पेट्रोल जैसे कम होता है और उसकी टंकी में पानी होता है, तो होता है क्या है कि जब गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल बच जाता है, रिजर्व में पेट्रोल बच जाता है, तो जो पानी टंकी के अंदर आया हुआ था बरसात के अंदर, जो बारिश में पानी टंकी में आ जाता है वो नीचे आ जाता है। जो नीचे आ जाता है हमारी गाड़ी रिजर्व में लगती है, जब रिजर्व में लगती है तो फिर वो पानी आता है ना कि पेट्रोल, तो फिर हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, बंद पड़ जाती है। ये ज्यादातर पल्सर गाड़ियों में, और ये गाड़ी जो सीटी डेलक्स या नए ढक्कन वाली गाड़ी है, ये जैसा इसका ढक्कन है, इन गाड़ियों में ये बहुत ज्यादा शिकायत होती है। जो स्प्लेंडर है दूसरी वाली पुरानी वाली, उसमें शिकायत नहीं आती क्योंकि उसका ढक्कन कवर होता है। तो ये गाड़ियों में क्या होता है, पानी आ जाता है। जो रिजर्व में गाड़ी लगती है तो हमारा जो रिजर्व में आता है वो पहले पानी आता है। जैसे इसमें देख रहे हैं हम, इसमें ये रिजर्व में पानी आया, और मेन में अगर चलाएंगे इसको तो इसमें पेट्रोल आएगा। तो आपने करना क्या है, जब आपकी गाड़ी रिजर्व में आ जाएगी तो आपने, जैसे हमने पानी डाला इसमें आधा लीटर पौने लीटर पेट्रोल पानी डाल लेंगे पेट्रोल टंकी में, ताकि वो पेट्रोल ऊपर आ जाए और पानी नीचे चला जाए। और फिर जो हमने किया है इसको, जैसे हमने दिखाया था यहाँ रिजर्व में पानी आ रहा है, फिर मैंने इसको पानी जो रिजर्व में आ रहा था हमने क्या करा, इसको
इसको गाड़ी को पानी डाल के टैंकी में इसको लगा के इसको ऑन में कर दिया, मैन में कर दिया। और मैन में करने के बाद में इसका जो ये स्क्रू होता है पेट्रोल के नीचे जो कार्बोरेटर में होता है पेट्रोल निकालने ओवरफ्लो का पेट्रोल निकालने के लिए, इसको हमने खोल करके वो सारा पानी निकाल दिया। ये जो कार्बोरेटर वाली गाड़ी है सभी गाड़ी में होता है। तो आपने क्या करना है, जब भी कभी भी आपकी गाड़ी पल्सर गाड़ी हो हीरोंडा गाड़ी हो, अगर ऐसी दिक्कत आ जाए कि रिजर्व में लगने के बाद में गाड़ी आपकी बंद पड़ जाती है और देखते हैं आप पानी आया हुआ है क्योंकि उसके टैंक में पानी बारिश का है धुलाई से आ जाता है, कभी भी आ सकता है, तो उसको क्या करना है, आपने गाड़ी को पहले पेट्रोल टी से उसको ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद में टंकी में पानी डालना है और यहाँ से पानी निकालना है। यहाँ से पानी निकालने के बाद आपने करना है, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आपने यहाँ से पेच खोल कर ये ओवरफ्लो का स्क्रू होता है इसको खोल करके पानी निकाल करके और इसको टाइट करके फिर आपको रिजर्व में गाड़ी नहीं लगानी, आपको मैन में गाड़ी चलानी है। और उसके बाद में आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा सकते हैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के, उसके बाद भी आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी में रिजर्व नहीं लगाना, गाड़ी ऑन में ही चलानी है, मेन में ही चलानी है। तब आपके पास समय मिले आप चाहें तो खुद उसका पेट्रोल से पानी निकाल सकते हैं, चाहें तो आप अपने मैकेनिक से जाकर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।